बाराबंकी में अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केजरीवाल भारी अंतर में सरकार में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल भारी अंतर से सरकार में वापसी कर रहे हैं। जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं दिया है, पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं दिया है, दिल्ली की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। तो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान है जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में बड़े अंतर से वापसी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने वोटरों को भी लेकर कहा कि वोटर्स ने यानी कि जनता ने हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट नहीं किया है, पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं किया, जनता ने सिर्फ वोट किया है तो विकास के नाम पर किया है। अब जहां जहां चुनाव होंगे भाजपा हारेगी, किसानों के मुद्दे पर हम पूरे जोर शोर से लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी पर सवाल होने पर सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। योगी सरकार में नाम बदलने की परंपरा है पर किया कटाक्ष, नाम बदलने के कुछ नहीं होता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो योगी सरकार है उसको केवल नाम बदलना आता है और नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है। अखिलेश यादव का कटाक्ष जो था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पे था। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी फिर से बड़ी वापसी करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने इस बार हिंदू मुसलमान या पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं किया, जनता ने वोट किया है तो केवल विकास के नाम पर वोट किया है। तो बता दें वहीं इस चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि अब जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां भाजपा की सरकार हारेगी।